हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार लाइन मैन साथियों, कैसे हो सभी? आप दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में दोस्तों स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे हैं कि एलम कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कब होगी, एलम साथियों के लिए गुड न्यूज़। जैसे कि थंबनेल रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई गुड न्यूज़। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था और आप सभी की डिमांड पर कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्या बात हो गई सर? तो देखिए, जब तक हमारे पास अच्छी न्यूज़ नहीं होती या अच्छी जानकारी नहीं होती तो बेफालतू की वीडियो हम नहीं बनाते, ये आप सभी जानते हो। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि मैंने बताया था कि जो 14 मई थी उसको हमारा रिजल्ट आया था, ठीक है। अभी उसके बाद सभी कैंडिडेट ये पूछ रहे थे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, कि सर हमारा क्या होगा भाई, 2 जून जो कोर्ट केस है उसको क्या हो सकता है या और केस हो गए। तो आपको पता है कि 2 जून का जो सुनवाई थी वो आगे टहल कर 26 जुलाई चली गई दोस्तों, ये सभी को पता है। अभी उसके बाद जो बच्चे थे, 1307 कैंडिडेट थे एएलएम के जो सिलेक्टेड हैं या जो वेटिंग में हैं बाकी, वो ये सोच रहे थे कि अब हमारी फटाफट सर ज्वाइनिंग हो जाए, तो सर हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो सर आप चेयरमैन सर से बात करिए या चेयरमैन साहब कोई बयान दे दें। तो कुछ बच्चे ने कहा कि भाई उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में चलते हैं, वहाँ इकट्ठे होकर और वहाँ पूछते हैं कि कैसे क्या होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों, इससे पहले जो है वो MPHW, ठीक है, स्टाफ नर्स, ठीक है जी, और साथ में VLDA, ये काफ़ी रिजल्ट आ गया, लेकिन ये बड़ी भर्ती थी। अभी VLDA का जो है वो ज्वाइनिंग हो गई, VLDA की 2 मई को, लगभग मई महीने में 2 मई को इनकी ज्वाइनिंग हो गई। अभी जो MPHW हैं उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल रही है दोस्तों, और स्टाफ नर्स की भी चल रही है। तो अभी ALM के साथ ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी जल्दी, कोई भी कैंडिडेट हो गई वो ये सोचता है कि हमारी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन दोस्तों ज्वाइनिंग होने में थोड़ा समय लगता है। प्रोसेस क्या होती है उसके बाद, अब सभी को पता है कि प्रोसेस क्या होती है, नहीं पता तो बता देता हूँ कि रिजल्ट हमारा आया था 14 मई को, ठीक है, इनसे बाद में आया था। अभी उसके बाद जो डाटा होता है, जो फाइनल रिजल्ट होती है, फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद HSC का जो काम है वो खत्म हो जाता है, ये बात मैंने पहले ही भी बताई थी, ठीक है दोस्तों। अब चेयरमैन साहब के हाथ में कुछ नहीं है। अभी दूसरा क्या है कि जो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम है, ठीक है, अभी वहाँ वो डाटा HSC से भेजा जाता है, ठीक है। अभी उसका आगे का जो कन्फर्म करना है दोस्तों, वो जो डिपार्टमेंट है आपका उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम है, वो वहाँ अरेंजमेंट करेगा अपने स्टाफ में, और उसके बाद जो आपकी बायोमेट्रिक होगी दोस्तों और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो वहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, एक डेट फिक्स की जाएगी और वो जो नोटिफिकेशन है वो साइट पर डाला जाएगा कि इस तारीख से लेकर उस तारीख तक जो 1307 सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी बायोमेट्रिक होगी भाई, ठीक है। उस टाइम आपको पंचकूला पहुँचना पड़ेगा, और पंचकूला में जो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम है वहाँ उसकी जगह होगी, वहाँ आपकी बायोमेट्रिक होगी, वहाँ HSC के स्टाफ मेंबर भी बैठे होंगे जो आपके जो बायोमेट्रिक करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अभी उसमें डाटा HSC से जब जाता है तो थोड़ा हार्ड टाइम लग जाता है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं। अभी इसके अंदर 14 मई को आया था, तो लगभग मैं पहले ही बताया था कि 22 जून के बाद, 22 जून के बाद दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, बायोमेट्रिक का प्रोसेस हो जाएगा। अभी गुरुजी एक दिन में होगा या 2 दिन में होगा, तो इसके अंदर देखिए 1307 कैंडिडेट है, साथ में बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट वेटिंग में है उनकी भी वही प्रोसेस रहेगी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की प्रोसेस रहेगी, तो ठीक है। आप ये मत सोचिए कि जो वेटिंग में है उनका नाम नहीं आएगा, उनको कहीं नहीं जाना, वो फ्री हो चुके, नहीं, वो उनको भी साथ ही जाना होगा। तो लगभग 144 से 145 के करीब वेटिंग वाले हैं, 1307 ये हैं, तो लगभग 1450 जो कैंडिडेट हैं दोस्तों वो वहाँ जाएंगे। अभी इतनों की तो एक दिन के अंदर संभव नहीं होती, तो लगभग आपके 200 से 250 कैंडिडेट जो है उनकी रोज़ दोस्तों बायोमेट्रिक होगी, ठीक है। तो लगभग आपका 5 दिन या 6 दिन के अंदर आपकी बायोमेट्रिक की प्रोसेस पूरी होगी। अगर मान लीजिए 22 जून को भी शुरू होती है तो भी आपका 27-28 जून तक आपकी कंप्लीट होगी दोस्तों, ठीक है।
अभी उसके बाद बायोमेट्रिक जब हो जाती है दोस्तों, तो ये मत सोचिए कि उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद फिर आपको जो आपकी साइट है उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, वहाँ पर विजिट करना होता है, वहाँ नोटिफिकेशन फिर आएगा, और वहाँ फिर आपको वापस पंचकुला वापस जाना पड़ेगा, और पंचकुला जाने के बाद वहाँ आपको फिर फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए, या ज्वाइनिंग लेटर जो आपको दिया जाएगा, तो उसमें भी कम से कम समय लग जाएगा। अगर मान लीजिए 28 जून या 31 जून तक आपकी प्रोसेस होती है दोस्तों, तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर अलॉटमेंट है, जो वापस वहाँ रिपोर्ट करने का है पंचकुला, तो उसमें कम से कम आपकी जुलाई 20 जुलाई के करीब आपको लग जाएगी दोस्तों, ठीक है। आपके कुछ कैंडिडेटों के उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम व्हाट्सएप भी बना सकता है, उस व्हाट्सएप के अंदर आपको अपडेट कर बताते रहेंगे कि भी इस तारीख वालों को इस तारीख तक वहाँ पहुँचना, वो वहाँ भी इसी प्रकार से आगे पहुँचना होगा एक दिन में, ये नहीं कि एक दिन में ही सारे 1307 कैंडिडेटों को वहाँ पहुँचना है, तो वहाँ भी आपको नेम वाइज आपको नोटिफिकेशन मिलेगा भी इस नेम को उस तारीख को वहाँ पहुँचना है दोस्तों। अभी उसके बाद जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर या तो आपको पंचकुला से जाके लाना पड़ेगा, घर के आने में टाइम लग जाता है, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद दोस्तों फिर आपको जहाँ आपकी ज्वाइनिंग आई है वहाँ रिपोर्ट करनी पड़ेगी, रिपोर्ट करने के बाद मेडिकल होगा, जब जब प्रोसेस होगी, तो यहाँ तक जैसे अगर सही तरीके से प्रोसेस चलती है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई लास्ट, ठीक है, जुलाई लास्ट या जो है अगस्त फर्स्ट तक होगी भाई दोस्तों, ठीक है, जो ये प्रोसेस है दोस्तों। और बाकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए हमारा काम है आपको जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, और आज जो बच्चे गए हैं, आज 6 जून है दोस्तों, तो कम से कम 200 से 250 बच्चों के करीब बता रहे हैं कि पंचकुला ऑफिस में गए हैं, ठीक है। अब पंचकुला ऑफिस में क्या बताया है उन्होंने, मैं तो पहले ही बता चुका था कि 22 जून के करीब आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो उन्होंने क्या बताया है, जो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के जो अधिकारी हैं, उन्होंने क्या बताया है, वहाँ जब कैंडिडेट मिले एलम के, तो वो बोले कि भाई हमारा जो है 10 से 12 दिन के अंदर, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस बायोमेट्रिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पास स्टाफ की कमी है। देखिए हर स्टाफ जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर स्टाफ की कमी है, ये बात आप सभी को पता है, तो ये बात 10 से 12 दिन अगर जोड़ते हैं तो अभी 18-20 तारीख होती है, और मैं 22 जून बता रहा था, पहले ही बता दिया था मैंने और अभी भी बता रहा हूँ, तो आपकी नोटिफिक बायोमेट्रिक 20-22 जून के करीब नोटिफिकेशन आ जाएगा, 5-6 दिन में वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक बात और भी करना चाहूँगा कि कुछ YouTube चैनल वाले हैं जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग से ही अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले किसी और के साथ बातें कर रहे थे, और अब देखा कि अब कोई भी टॉपिक उनके पास नहीं बचा, तो 1307 जो एलम कैंडिडेट हैं अब उनकी तारीफ दारी करने लगे, अब उनकी ज्वाइनिंग के बारे में बातें करने लगे, ठीक है। चलो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, जो सही जानकारी देता है हमें उसकी बात माननी चाहिए। और काफी आपको पता है कि जेई मल्टीक्स टेक्नो चैनल है दोस्तों, एक ट्रस्टफुल चैनल है, ये बात आपको पता अच्छी प्रकार से लग भी गई होगी, ठीक है, और मैं पैसों के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता हूँ, मुझे व्यूज से सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के लिए मैं लगभग आपने देखा होगा मैं कहता भी नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं कहता कि अगर मेरा कंटेंट अच्छा है, अगर कैंडिडेट्स हैं एस्पिरेंट कैंडिडेट अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं मेरे ग्रुप को, या मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अपडेट पाना चाहते हैं, तो उनके नोटिफिकेशन आ जाए, उनको ढूंढना ना पड़े, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, और कोई बात नहीं है। अगर चैनल आपकी वीडियो अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, तो देखने वाला जरूर उसको चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अदरवाइज अगर आपके चैनल कंटेंट में दम नहीं है, आप गलत मिस गाइड कर रहे हैं किसी को, तो आप उसके पाँव भी पकड़ लोगे तो सब्सक्राइब नहीं करता दोस्तों। तो एलम साथियों हमें आपको एक सही अपडेट देनी होती है, जो मैंने आपको दे दी, कुछ चैनल अच्छी भी न्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। अभी मैं हाल में ही एक चैनल का नाम क्या लूँ, आपको पता है ये सभी अच्छी चैनल बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा चैनल है और नया चैनल है, डॉक्टर साहब हैं और हाई डेंटिस्ट,
है वो, वैसे कोड वर्ड में बता देता हूँ, डेंटिस्ट है वो, अच्छी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और जेई मल्टीक्स टेक्नो का आपको पता ही है, ठीक है, जेई मल्टीक्स टेक्नो जूनियर इंजीनियर मल्टीक्स टेक्नो, ठीक है। तो चलिए एक नई वीडियो में मिलते हैं नई अपडेट के साथ, और दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी और आप अपनी तैयारी करते रहें। साथ में मैं छोटे भाइयों को ये भी संदेश देना चाहूँगा कि जिसकी भी प्रैक्टिस नहीं है भाई, ठीक है, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं, किसी ने आज तक प्लायर नहीं पकड़ के देखा और उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो वो अभी घर पर है, तो वो अपनी जो प्लायर है और जो वायर है 4 mm, 10 mm, 6 mm की, उनको ट्विस्ट करना सीखे, ठीक है, फ्यूज़ बनाना सीखे, उनका कट करना सीखे, इंसुलेशन रिमूव करना सीखे घर पे बैठे बैठे, ताकि ये काम तो अब आपको करना ही है आगे, तो क्यों ना हम पहले ही प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी भी मैंने साथ में दे दी, और जो मेरे चाहने वाले हैं जो भाई इस चैनल से इसी प्रकार जुड़े हुए हैं, उनको सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और अगर नए छोटे भाई बहन कोई जुड़ा है तो भी उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो में मिलते हैं, अगर मेरी वीडियो किसी ने अभी तक अंत तक देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, देखिए लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलता, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। कई ये सोच रहे हैं कि भाई ये कहते हैं यूट्यूब चैनल वाले कि लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो, इनको फ़ायदा मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जेई मल्टीक्स टेक्नो वाले सर हैं जो लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से पैसा कमाएंगे, तो भाई आप रहने देना, ठीक है। मैं तो वैसे ही कहता हूँ लाइक करने से हमें ये पता लग जाता है कि हाँ हमने इतनी देर में मेहनत की है तो हमें उसका थोड़ा फल मिला है, कि बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद भाई, राम राम।